Hey guys, welcome to my channel. My name is Pushir Dholakia and you guys are watching Amateur Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So aaj hum jo video dekhne wale hai wo hai one of the legendary Indian captain, one of the legendary Indian batsman, legendary wicketkeeper, you name it. Aur वो ऐसे एक प्लेयर है जिन्होंने इंडिया को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर लेके गया इंडियन क्रिकेट को. और बात करें अगर उनकी कैप्टनसी की, सो उनके क्या कहने हैं, उनको कहा जाता है कैप्टन कूल, उनको कहा जाता है द मोस्ट यू नो हाई रेटेड स्ट्रेटेजिक कैप्टन. और उन्होंने इंडिया को 3 ICC ट्रॉफीज जो है वो दिलाई है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ICC 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हो, या साथ में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी. सो आई एम श्योर कि आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं. वन ऑफ द लेजेंडरी एंड वन ऑफ माय फेवरेट. आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों के फेवरेट होंगे, जिनका बर्थडे भी हाल ही में गया है, लास्ट वीक में ही उनका बर्थडे जो है गया है. आई एम टॉकिंग अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, द MST. What a fantastic player he is and he is करते हैं. सो या इस वीडियो को डेफिनेटली देखते हैं. इस वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू गैस मेक श्योर यू चेक आउट द वीडियो, चेक आउट द चैनल. उसके साथ मैं एक छोटा सा टारगेट रखता हूँ अपने हर वीडियो के अंदर कि 10 लाइक का टारगेट. तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. अगर नहीं आता है या कुछ भी आपको लगता है कि कमी रह गई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा. सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट एंड विल डिस्कस द वीडियो. लेट्स डू दैट. I remember that one. That's amazing, man. That's World Cup, I think, 2011. जो फाइनल जीता था हम लोगों ने. Wow. Wow. He is too fast, man. He is too fast to handle. Oh. इतना आसान नहीं होता है गुगली को पिक करना बैट्समैन के बिल्कुल पास से आ रही है. वाओ. अमेजिंग. Makes it look so easy, man. But इतना आसान बिल्कुल नहीं होता है ये. Look at that. I mean, the batsmen also are so keen to get into this, you know, crease. लेकिन बिल्कुल वक्त नहीं मिलता. बाप रे. Wow, that's a good catch. That's 2007 World Cup. Mahila Jay Vardhan, I think. Wow. That's Shahid Afridi. I remember that one. Yeah, I remember Shahid Afridi, bhai. Wow. Oh. Oh wow, one stump to him and bullseye, man. Also वो जो फ्लिक करता है ना कि बॉल आया और फ्लिक करके स्टंप पे लगा, ये वाला, ये तो कमाल का है. मतलब ये सिर्फ वही कर सकता है. बाकी लोगों ने ट्राई किया है बट उसके जितना नहीं कर सकता कोई. Wow. That's great skills. Wow.
टाइम ही कहाँ मिलता है यार बैट्समैन को, मतलब इतना फास्ट हैंड है उसका, बाप रे। With the margins, it's absolutely margins. Wow. उसको मालूम ही नहीं चला कि बॉल कहाँ गया, जब तक पता करता आउट हो चुका था। Man, he is amazing. ये भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का है, मोहाली मुना पटेल। वाओ, पीछे देखा भी नहीं भाई ने, सीधा शॉट मारा और सीधा स्टंप पे। This is amazing, man. Wow, bro. Yes, that's 2016. इसको तो कौन भूल सकता है? ये मैच तो बिल्कुल हाथ से गया था भाई। ये तो एमएस धोनी की ब्रिलियंस है कि जिसने मैच जीता। Alright, so that was insane, definitely insane, next level wicket keeping skill of MS Dhoni. जिस तरह से ये बंदा अपनी विकेट कीपिंग करता है कोई भी नहीं कर सकता इस वक्त, तो बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग जो ट्राई करते हैं उनके जैसे करने की, ऋषभ पंत भी ट्राई करता है उनको कॉपी करने की, लेकिन वो नहीं हो पाता बिकॉज वो नेचुरल स्किल है। यू नो, आप उसको ज़रूर इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्किल है वो आप में नेचुरली होगी तभी आप उसको इवॉल्व कर पाएंगे। एंड ही इज़ गॉट एवरीथिंग मैन, कितना फिट है वो। जस्ट इस तरह का वीडियो हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि महेंद्र सिंह धोनी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे टीम को लेकर, हमारी जो यू नो विनिंग परसेंटेज है उसके लेकर हम लोग बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एज ए फिनिशर कितने मैचेस उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताए हैं, हम लोग बात करते हैं एज ए कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कितने मैचेस जिताए, लेकिन ये जो क्रंच मोमेंट पे यू नो विकेट कीपिंग स्किल्स जो है वो काम आती है, जहाँ पे फ्लिप जो फ्लिक इनका जो शॉट है वो तो कमाल है। साथ में वो 2016 अगेंस्ट बांग्लादेश इन वानखेड़े आई थिंक वो जो उनका जो मैच था वो तो आई थिंक कमाल का था, मतलब वो तो यू नो हम जितना याद करें जितनी तारीफ करें उनकी उतनी कम है। वो सेमीफाइनल नहीं था शायद, वो क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल तो वेस्ट इंडीज़ के साथ था जो हम हार चुके थे, बट वो जो मैच था भाई क्या क्रंच मोमेंट पे उसने यू नो अपनी स्किल्स दिखाई, और वो आखिरी गेंद पे एक रन चाहिए था या दो रन चाहिए थे, इंडिया जीत गया। सो दैट्स क्रेडिट गोज़ टू द एमएस धोनी। उसके अलावा कितने सारे मैचेस है जो कि यू नो अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स की वजह से उन्होंने जिताए हैं। वो जिस तरह से स्टंपिंग करते हैं, मतलब स्टंपिंग के अंदर तो महेंद्र सिंह धोनी का कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, कितना फास्ट हैंड्स है उनका। कभी कभी वो मिली सेकेंड्स में बताते हैं, वो मिली सेकेंड्स भी अभी शुरू हुई होती है और उसका हाथ जो है वो बिल्कुल स्टंप पे लग गया होता है, स्पेशली जब यू नो बात करें कि रनआउट करना हो, जब थ्रो आ रहा हो तो उसको पता होता है कि स्टंप कहाँ है। वो ऐसे ही आपने देखा है इसमें भी कि वो देखे बगैर ही ऐसे थ्रो कर देता है, बॉल जो है स्टंप पे लगती है। बैट्समैन भी यू नो कितने भी तेज़ क्यों ना हो, मतलब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, दे आर नेचुरली फिट एथलीट, यू नो वो काफ़ी तेज़ होते हैं सब कॉन्टिनेंट के हमारे प्लेयर्स से बात करें तो, लेकिन उनको भी वो आउट कर देते हैं, उनको भी स्टंपिंग कर देते हैं वो, आई थिंक दैट इज़ हेड्स ऑफ टू। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो काफ़ी स्किलफुल है, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो जडेजा हो, उसके बाद फिर कुलदीप हो या पीटर चहल हो, वो गुगली डालते हैं, वो फ्लिपर डालते हैं, और कुलदीप यादव तो बहुत ही टफ है यू नो उसको पिक करना, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने देखा किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी उसको पिक करते हैं, वो स्टंपिंग कर देते हैं, और वो सिर्फ आपको मिली सेकंड मिलता है क्योंकि बैट्समैन जो है वो अपना पांव पीछे ले सकता है या अपना
बेट जो है वो क्रीज के अंदर डाल सकता है। सो वो जब पता चलता है कि वो यू नो एक विनिंग मैच में और एक हारे हुए मैच में ये सारी चीज़ें जो मायने रखती है। सो इट्स अ ग्रेट वीडियो, आई थिंक बहुत ही अच्छा वीडियोज़ बनाए हैं ये। काफ़ी यू नो पुराना MS धोनी जो लंबे बालों वाला था उससे लेकर आज का जो IPL वगैरह में भी MS धोनी जो 38 साल के हैं लेकिन बहुत ही फिट है वो MS धोनी भी हमें देखने को मिले। सो या आई थिंक आई डेफिनेटली एन्जॉय द वीडियो। आई एम श्योर कि आपने भी वीडियो काफ़ी एन्जॉय किया है। अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने 10 लाइक का टारगेट रखा है, सो आई एम श्योर कि आप जरूर उसको लाइक करेंगे। अगर आप MSD के फैन हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड या अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं सो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाए, साथ में नोटिफिकेशन आइकन का भी जो बटन है वो दबा दीजिए ताकि हमारा इसी तरह से मिलना जुलना लगा रहेगा। सो या आज वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड रिएक्टिंग ऑन विथ मी ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन टिल देन। बाय बाय एंड टेक केयर।